हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 प्रैक्टिस 2.2 देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इन फिगर 2.18 वाई इज इक्वल्स टू 108, देन एक्स इज इक्वल्स टू 71 डिग्री, आर द लाइंस एम एन एन आर पैरेलल जस्टिफाइड। तो हमें बताना है कि एम एन एन पैरेलल हैं। तो इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। ये हमें प्रॉपर्टी दी हुई है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन एम एन एन आर पैरेलल। देन हियर एक्स इज इक्वल्स टू 71 डिग्री एंड वाई इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज अगर ये 180 डिग्री होगा तो ही एम एन एन पैरेलल होगा। तो 71 प्लस 108 इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर लाइन एल एंड लाइन एन आर नॉट पैरेलल। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इन फिगर 2.19 इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। देन इफ हमें यहाँ फिर से एक प्रॉपर्टी दी हुई है, इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। तो अगर एक पेयर अल्टरनेट एंगल्स का रहेगा कॉन्ग्रुएंट तो लाइंस आर पैरेलल होंगी। तो हमने सपोज किया जेड को, जेड मतलब ये हमें यहाँ पे फिगर में नहीं दिया था, हमने इसको सपोज किया है। तो एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल जेड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए, एंगल ए एंड एंगल जेड आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल जेड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज एंगल जेड एंड एंगल बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए इज पैरेलल टू एंगल बी फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन फिगर 2.20 इफ एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल बी एंड एक्स एंड वाई आर एक्स इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल बी आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय एंगल एल एंड एम एंड द ट्रांसवर्सल के, एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल बी, ये हमें गिवेन है। देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, हमने इसको 1 माना है। देन एंगल एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ लाइन एम एंड लाइन एन बाय एंड अ ट्रांसवर्सल। देन एंगल एक्स इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल वाई, गिवेन है हमें ये। तो देयरफॉर लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। देन अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, तो फ्रॉम 1 and 2 द लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड एन, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। देन हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन फिगर 2.21 इफ रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। हिंट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। तो इसमें हमें लाइंस ये बनाना है, हमें ये बना हिंट दिया हुआ है कि लाइन सी पॉइंट सी से पास हो, ऐसा एक लाइन बनाइए एक्स एंड वाई। देन रे डी ई इज पैरेलल टू रे ए बी, ये हमें गिवेन है।
तो रे बी ए इज पैरेलल टू रे एक्स वाई कंस्ट्रक्शन देन रे डी ई इज पैरेलल टू बी ए एंड रे एक्स वाई फ्रॉम वन तो एंगल ई डी ई ई डी सी इज कॉरस्पॉन्ड इज इक्वल्स टू 100 डिग्री ये भी हमें गिवन है तो रे डी ई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रे एक्स वाई ये हमें फ्रॉम वन से मिला एंड डी सी इज द ट्रांसवर्सल देन एंगल ई डी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल डी सी एक्स अल्टरनेट एंगल्स देन एंगल डी ई डी सी इज इक्वल्स टू डी सी एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री गिवन है हमें देन therefore dx dcx is equals to 100 degree 100 degree हो जाएगा हमारा dcx तो angle dcb plus bcx is equals to dcx तो हमें dcb दिया था 50 degree plus bcx का हमें value नहीं पता then dcx 100 दिया हुआ है तो बी सी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको राइट हैंड शिफ्ट करेंगे देन 100 तो हम लोग का बी सी एक्स जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा तो लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू रे बी ई एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल देयरफॉर ए बी सी प्लस बी सी एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तो एंगल ए बी सी प्लस 80 माइनस 50 एंगल ए पी सी हमारा हो जाएगा 130 डिग्री देन हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इन फिगर 2.22 रे ए ई एंड रे बी डी रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी एंड रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी देन हमें प्रूफ करना है कि लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी देन सिंस रे ए एफ इज एंगल सी यू बी एंड रे बी सी बाइसेक्ट एंगल ई आर इज इक्वल्स टू एफ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स is equals to half of a angle EAB and angle AB is equals to DBC is equals to y is equals to one half of ABD. Therefore angle XY X is equals to half of triangle EAB and triangle Y half of ABD. देन एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू ए बी डी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा हमारा नाउ यूजिंग एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई बट एंगल एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ए बी ऑफ ई एफ एंड रे बी सी देन देयरफॉर रे ए एफ इज पैरेलल टू लाइन रे बी सी अल्टरनेट एंगल्स ये भी हमारा हो जाएगा सिंस हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सिंस रे पी आर बाइसेक्ट बी पी क्यू एंड रे क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू सी देन एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एस क्यू पी इज इक्वल्स टू एस क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PQC. Then, therefore, BPQ is equals to 2, RPQ and PQC is equals to 2 SQP. Since PR is parallel to QS and PQ is the
ट्रांसवर्सल, हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्सल। देन इंटरसेक्टिंग देम, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, एंड पैरेलल अ लाइन एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस क्यू पी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा हो जाएगा, देन टू, मतलब हमने टू कॉमन लिया, टू एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल एस क्यू पी। नाउ यूजिंग वन वी गेट बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी। देन देयर फोर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। थैंक्स।